बलिया जनपद में सूदखोरों की तरफ से फर्जी रजिस्ट्री का मामला नासूर बन गया है। धोखाधड़ी के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज पीड़ित ने आज धरना प्रदर्शन के लिए दी चेतावनी। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है, मैं निवासी भृगु आश्रम मोहल्ला निकट उप डाकघर का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला है सर, हमारी एक पैतृक संपत्ति है यहाँ बलिया टकरसन मौजा में, लगभग 4 बीघे, उस पर कुछ लोगों ने मिल के फर्जी वसीयत और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र हमारी दादी के नाम से बना के और राजस्व से नामांतरण करवा लिया। हमको जब पता चला तो उन लोगों पे बहुत भाग दौड़ किया हमने कार्यालयों में जाके, FIR नहीं हुआ। CGM कोर्ट से हमने FIR करवाई। 12 मई 2023 को FIR हुई। FIR तो हुए 5 से 6 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई उस FIR पर नहीं हुई, जबकि उसमें संगीन धाराएं हैं, उसमें गिरफ्तारी की धाराएं हैं, तो भी आज तक प्रशासन ने, हम आवेदन पे आवेदन देते हैं, हमने DM कार्यालय पे अनगिनत आवेदन दिया है, SP ऑफिस में हमने अनगिनत का दिया है आवेदन, और भी बहुत सारे कार्यालयों में आवेदन दिया है हमने, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डाला है, SDM साहब को आवेदन दिया है हमने, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 5 महीने बीत गए और अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्या गिरफ्तार नहीं हुए? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, जबकि उसमें धाराएं गिरफ्तारी की हैं 420, 467, 468, 471, ऐसी संगीन धाराएं हैं, फिर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। 5 महीने से अधिक बीत गया है FIR को हुए जी। तब क्या करेंगे? क्या DM साहब को आपने एप्लीकेशन दिया धरना के लिए? जी, लास्ट में हमने एक 6 नवंबर को एप्लीकेशन दिया है DM साहब के यहाँ कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे वहाँ कार्यालय में। SP साहब को भी हमने डाक के जरिए 8 नवंबर को भेज दिया आवेदन, अगर उन सबों की गिरफ्तारी नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, संपत्ति हमारी है और फर्जीवाड़ा करके वो खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो आप अपना अनशन बैठेंगे? कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सरकार जो कह रही है बस कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आए दिन मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि DM ऑफिस के सामने लोग मजबूरन जाके अनशन कर रहे हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, DM कार्यालय से भी सुनवाई नहीं हो रही है, SP साहब के कार्यालय से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन छुट्टा एकदम कुछ काम नहीं कर रही है, अपराधियों को ऐसे ही छुट्टा छोड़ दिया घूमने के लिए, प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रही है, सख्ती दिखाती तो 5 महीने से अधिक हो गया इस FIR को हुए।